सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज एक नया सेशन लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, ये जो भैया आप बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये कैसे फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है, इसके ऊपर एक सेशन लेके आया गया हूँ। मुझे पता है तुम सबको इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर एक सेशन लेना ही पड़ेगा। हुआ क्या, एक स्टूडेंट था, मेरा एक पर्सनल स्टूडेंट है, तो उससे मैं बात कर रहा था। तो वो बोलता है भैया मुझे ना केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने पूछा अच्छा क्या दिक्कत है भैया, कहता है मुझे ना केमिकल फॉर्मूले लिखने ही नहीं आते। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में। तो उसका जवाब सुनना, वो बोलता है भैया मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लिखते हैं MgCl। ये सुन के मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने पूछा ये क्यों। तो बोलता है भैया वो ना मैंने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड होता है, उसको अपन NaCl लिखते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl लिखेंगे। मैंने कहा अरे मूर्ख ये क्या बात कर रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यार हाँ यार, इस टॉपिक के ऊपर हमें एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, फटाफट से एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना और इस सेशन को मिस मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वैसे इस चैप्टर को पूरा का पूरा मैंने पढ़ा रखा है, उसके साथ साथ हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन पे भी एक वीडियो बना रखी है, उस पर भी एक सेशन ले रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट सेशन रहने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे मेरे से आकर पूछेंगे भैया आप ये पढ़ा तो रहे हो बट इसकी जरूरत ही क्या है, हम फॉर्मूला ना भी बनाए तो उससे होगा क्या। अरे बालक सुन मेरी बात, पेपर के अंदर तू किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, CBSE ICSE किसी का भी, उसके अंदर ना एक सवाल आता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया इस प्रकार से, जैसे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। अब अगर तुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता होगा तो तू बता तू इसको बैलेंस कैसे करेगा। अब जब तू ये नहीं पता कि पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, बेरियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो तू क्या करेगा, नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत है और इस प्रकार के सवाल बार 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 पूछे जा रहे हैं, तो देख पढ़ना तो पड़ेगा। अब एक टेबल तूने पढ़ी होगी, चाहे तुम 9th के हो 10th के हो, ये वाली टेबल तो तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी कि कुछ कॉमन जो हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैलेंसी वाली टेबल, ये तुमने देखी होगी। और इस टेबल को हमें पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। अभी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 11th में तुम साइंस लोगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान से देखना ये है क्या, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, आपको क्लियर है ना वैसे टेबल, बिल्कुल चलो बहुत सही। तो ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टेबल रिप्रेजेंट करती है, ध्यान से सुनिएगा, वैलेंसीज ऑफ क्या एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ देखना, जैसे कि यहां पर ना हमारे पास गिवन है सोडियम को लिखा है Na+। अब ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है कि भाई सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो देना चाहता है, ये है वैलेंसी ऑफ क्या, सोडियम, ठीक है। और यहां पर लिखा है क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोराइड का लिखा है Cl-। Cl- का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कह रहा है कि मुझे तू दे दे। चल एक पैसे के शब्द में समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इमेजिन करो यहाँ पर है हमारा सोडियम, अब सोडियम के पास है 1 रुपए एक्स्ट्रा, सोडियम के पास है 21 रुपए, अब उसे 20 रुपए करने के लिए 1 रुपए किसी को देने हैं, और अपना जो ये जो क्लोरीन है क्लोराइड है इसके पास जो है ना 1 रुपए कम है, इसके पास है 19 रुपए, 19 रुपीज, तो इसको 1 रुपए चाहिए। तो क्या होगा, Na और Cr मिलेंगे, ये 1 रुपए इसको देगा और दोनों 20-20 हो जाएंगे, समझ गए मैथमेटिक टर्म्स में, समझ गए हो गए। तो ये होती है हमारी टेबल, ये है हमारी वैलेंसी की टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, बट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पीपीटी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, एक बार देख भी लेते हैं। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na+, इसकी वैलेंसी क्या है, +1। उसके अलावा पोटेशियम को क्या लिखते हैं भैया, पोटेशियम को लिखते हैं, अच्छा ये सबको आपको ये तो आता है ना कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतना तो आता है ना, मैं मान के चल रहा हूं। कभी कोई कमेंट में लिख दे भैया ये एलिमेंट सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं, भैया ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा करना यार, इतना तो आता होगा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है, K+, सिल्वर क्या है, Ag+, याद रखना सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है, Ag+। अब जो कॉपर है ना वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक होता है कॉपर 1, एक होता है कॉपर 2। जब भी लिखा है कॉपर 1 तो इसका मतलब है वैलेंसी है 1, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने को, बट जब आता है कॉपर 2 तो उसके पास है, कहां गया ये रहा, कॉपर 2 के पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऐसी ही पूरी की पूरी टेबल है, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन, अच्छा आयरन की भी 2 फॉर्म होती है, आयरन 2 आयरन 3, आयरन 2 के अंदर उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
और आयरन थ्री के अंदर उसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे इस बात को। उसके अलावा एल्यूमिनियम की कितनी है, +3, आयरन थ्री की है +3। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो होता है ना उसकी तो होती है हमारी प्लस, बट ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हाइड्राइड लिखा हो, हाइड्राइड देखना शब्दों पे गौर फरमाइएगा, हाइड्राइड जब भी हाइड्राइड लिखा होगा तो H माइनस आता है, इस चीज को दिमाग के अंदर डाल लो। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी। यहां पर देखना ध्यान से, ये है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, S2-। अब ध्यान से देखना ये क्या है, सल्फाइट, ये क्या है, सल्फाइट, इसकी क्या होती है, SO3-। और एक है सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4-। तो भैया ये इतना कंफ्यूजिंग है, इनको अपने दिमाग के अंदर डालो। अब तुम कहोगे भैया हम कोई जीनियस तो है नहीं, एक बार पढ़ के कैसे याद हो जाएगा, तो एक बार क्यों पढ़ना है, बार बार पढ़ो। और याद कैसे होगा, जब तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, द ओनली सोल्यूशन इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी हम कराएंगे बहुत बेहतरीन सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा आज, 10 से 15 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर सब घुस जाएगा, ठीक है। सल्फाइड क्लियर है, S2-। ऑक्साइड क्या होता है, O2-, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड होता है N3-, याद रखेंगे। उसके साथ अमोनियम, अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अमोनियम पे आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं। अमोनियम याद रखना NH4+, क्या होता है, NH4+। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, HCO3-। और ये क्या है, कार्बोनेट, एक नॉर्मल कार्बोनेट है, एक है हाइड्रोजन कार्बोनेट, डिफरेंस जान लेना। ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तक तुम्हें याद नहीं होगी, जब तक सवाल नहीं बनेंगे, इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। तो अगर तुम्हें लग रहा है इस टेबल के बिना तुम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे, कोई भी चैप्टर, तो नहीं हो पाएगा, नहीं, ठीक है। तो आई होप ये टेबल तुम्हें याद करनी है और तुम करोगे। अभी इसके अंदर 2 एग्जांपल मिसिंग है इस टेबल के अंदर, वो ध्यान से सुनना। एक तो है लेड, लेड जिसकी होती है Pb2+, Pb से हम रिप्रेजेंट करते हैं और 2+ उसकी वैलेंसी है। उसके साथ साथ बेरियम, बेरियम, बेरियम की क्या है, 2+। तो ये तो भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना, लेड और बेरियम, ठीक है। ये आपकी टेबल के अंदर नहीं है, बट इसके सवाल पूछे जाते हैं लेड और बेरियम के। चलो अब कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, जब ही हमें समझ आ पाएगा कि भैया क्या हो रहा है देश के अंदर। चलो कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ, आओ भैया, आओ, आओ, फटाफट 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 पेन कॉपी बाहर निकाल ले। और क्योंकि हमें 5 से 10 मिनट हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, हाँ 7-6 मिनट हो गए हैं, तो अभी लिख दो कि भैया जोश मीटर हमारा कैसा है, और कमेंट करो फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर, लिखो कि हाँ भैया जोश मीटर कितना है। जोश मीटर पता है ना, जोश मीटर, पहली क्लास तो नहीं ले रहे हो ना हमारी, जोश मीटर कितना है, 100 में से कितना है, फटाफट लिखो। चलिए बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। अब देखना इसका तरीका, देखना तुम तरीका बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखते हैं सोडियम, सोडियम को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ऑक्साइड क्या होता है, ओ। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, यही होती है। ऑक्साइड की कितनी होती है, -2, याद है, याद है, याद है। तो देखो बेसिक सी मैथ की कैलकुलेशन करते हैं, मेरे पास है 1 रुपए, बट ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 2 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपए अपने पापा मम्मी से मांगूंगा। मैं कहूंगा कि पापा मम्मी ऑक्सीजन मांग रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा मुझे दे दो थोड़े से, और तो वो पापा मम्मी शायद ना भी दें, थप्पड़ मार दे, वो अलग बात है, बट अगर दे देंगे तो मैं लेकर किसको दे दूंगा, ऑक्सीजन। तो अगर मैं लॉजिकली देखूंगा तो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है इसका फॉर्मूला बनेगा Na2O, क्या ये क्लियर है। बट अगर बेसिक मैथमेटिक्स समझ नहीं आती मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑक्सीजन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो Na से, इसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन से, कितना आएगा, Na2O, क्लियर, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें सबकी वैलेंसी याद रखनी और क्रॉस मल्टीप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख दो फटाफट से, साथ साथ में लिखते चलना। देखो यार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम सुनने नहीं आए हो, यहाँ पर तुम चीजें समझने आए हो, और जब हम चीजें समझने आते हैं तो एक पेन कॉपी हमारे हाथ में होना चाहिए और हम साथ साथ में चीजों को सॉल्व करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं है। NaCl ध्यान से देखना, NaCl क्या होता है, +1 -1, यही होता है, कर दो भैया, कर दो भैया, क्या बन गया, NaCl, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है, याद करो, +2, हाँ भैया याद आ गया, माथा चमक गया। ऑक्साइड क्या होता है, 2-, तो भैया अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा Ca2O2, नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर जाते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है CaO, कैंसिल आउट कर दो ना, बस दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनका फॉर्मूला बनता है CaO, क्लियर। क्या यहाँ तक बेसिक एग्जांपल्स क्लियर है, अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे भी हम बढ़ेंगे, पहले ये पूछ लो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी एक बार लिख देंगे क्लियर है या नहीं है, फटाफट से लिखें, और जोश हाई रखा करो यार, मेरे को मेरी क्लास में पसंद है कि तुम जोश हाई रखो। अगर प्रशांत भैया की क्लास में आ रहे हो
तो जोश हाई रखना, चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने कहानियां सुनी होंगी बट हमने कहानियों को रियलिटी में बदला है ना। पिछले साल जो 60% पे थे वो 95 लाए हैं, तुम्हें भी पता होगा ये बात, किसी भी अपने सीनियर से पूछना। चलो बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। क्या होता है पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड? पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, ये होता है OH, इसकी होती है +1, इसकी होती है -1, क्या आ गया KOH। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? आगे बढ़े, सिल्वर नाइट्राइट। अच्छा इसके लिखो फटाफट से लिखो इसकी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है भैया, सिल्वर तो हमें पता है Ag होता है, बट यहाँ पर देखना नाइट्रेट की बात हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नाइट्राइड नाइट्रेट है ना, अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट कहाँ गया, अभी आपको दिखा देते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3- और Ag का होता है Ag+। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? AgNO3। क्लियर है? इसका आएगा -1, इसका आएगा +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया AgNO3। अच्छा यार राइटिंग मेरी थोड़ी सी बच्चों को ऐसे लगती है कि भैया यार आप ना थोड़ा सा क्लियर लिख दिया करो, साफ साफ लिख दिया करो। देखो जब तक तुम्हें समझ आ रहा है तो ठीक है, जिस दिन तुम्हें समझ आना बंद हो जाए तब बता देना, तब इंप्रूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे JEE के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो मेरी जो राइटिंग है वो स्पीड बहुत ज्यादा है राइटिंग की, और राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कॉपर सल्फेट 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या है? कॉपर हम कौन सा लेंगे? अरे बोल रहे मूर्ख बालक, क्या लेंगे? और सल्फेट क्या है याद कर, सल्फेट SO4 2-, याद आ गया भाई यार, तू भी इंटेलिजेंट हो गया है मेरे साथ रह रहे के, है ना। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट कर दो CuSO4। बहुत बढ़िया यार, सही है यार, जल्दी सीख जाते हो तुम मेरे साथ रह रहे के ना, तुम लोग भी पढ़ने में होशियार हो गए हो। आजकल तो कंप्लेन आ रही है कुछ स्कूलों से कि प्रशांत भैया ने पहले से ही कोर्स हमारा खत्म करा दिया है, स्कूल वाले क्या पढ़ाए हैं ना, ऐसी भी कंप्लेन आ रही है कुछ जगहों से। तो इतना भी मत पढ़ा करो कि स्कूल वाले ही मुझसे बोलें कि यार सर आप ही सब पढ़ा दोगे तो हम क्या करेंगे। चलो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, जल्दी बताएं। अरे बोलो यार, जल्दी लिखो फॉस्फेट का, लिखो जल्दी, इसका बनाओ, खुद से बनाओ, जल्दी बनाओ, टाइम दे रहा हूँ पर जल्दी बनाओ। हुआ किसी का? अरे यार भैया पूछ रहे हैं भैया फॉस्फेट का दिखाओ। अरे बेवकूफो, फॉस्फेट का आखिरी में दिखाया तो था PO4 3-, बहुत डिफरेंट फॉर्मूला होता है। और कैल्शियम का क्या होता है? 2+, याद हो गया। चलो कहाँ गया ये रहा, कर दो Ca2+2, और क्या है PO4, और क्या है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा Ca का होल का क्या आ जाएगा 3, और ये क्या है PO4 2, PO4 का क्या है हमारा 2। ठीक है यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छे वाले ब्रैकेट हटा देना, मतलब फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ Ca3PO4 2, ये बनता है। ठीक है कैल्शियम फॉस्फेट, क्या चीज क्लियर है? चलो यार बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। चलें लेड आयोडाइड, लेड का बताओ भाई, लेड का आपको बताया था, जल्दी बताएं लेड और आयोडाइड, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। सोडियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट जल्दी बताएं, सोडियम क्या होता है? Na, कर लेते हैं इसको सॉल्व कर ले फटाफट, Na+1, और कार्बोनेट होता है CO3 2-, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या आया Na2CO3। देख कितनी जल्दी जल्दी हमने कितने सारे एग्जाम्पल कर लिए, तेरे एग्जाम के अंदर इन सवालों से बाहर के सवाल आएंगे ही नहीं जो मैं करा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है Na2CO3 क्या क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट। और यहां पर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट होता तो क्या होता? अच्छा बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया है क्या, देख लेते हैं, नहीं दिया। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट अगर होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, HCO3 हो जाता। कार्बोनेट में क्या होता है? CO3, बाइकार्बोनेट में क्या होता है? HCO3, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है अपना अगला? सिल्वर ब्रोमाइड, जल्दी बताएं सिल्वर क्या होता है हमारा? Ag, और ब्रोमाइड क्या होता है? Br, दोनों की क्या होती है? +1 -1, तो क्या लिख दूंगा मैं? AgBr, Ag सुनो जी, है ना, वो वाला Ag। चलो AgBr, आगे बढ़े अमोनियम क्लोराइड फटाफट से। अमोनिया की मैंने बताई थी, अमोनियम की क्या होती है याद है? NH4+1, क्लोराइड की क्या होती है? -1। लिखते चलेंगे, हाथ नहीं रुकने चाहिए, है ना, हाथ नहीं रुकने चाहिए। NH4 की क्या है? +1। Cl की क्या है? -1। फाइनल क्या बनेगा? बोल रहे NH4Cl, NH4Cl
HCl, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या चीज क्लियर है? अच्छा, इसकी पूरी पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी। अपना क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखो जल्दी फटाफट फटाफट। देख स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों पढ़ा रहा हूँ स्पीड में? स्पीड में समझने की आदत डालो। अब वो बच्चों की तरह ए बी सी डी ई ऐसे नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और अपने माइंड को भी हमें इंक्रीज करते करते चलना है, क्योंकि अगर हम बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं ना भैया तो मजा भी नहीं आता। अच्छा, एल्यूमिनियम की क्या होती है? +3 याद है, और इसकी क्या होती है? -2। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? अरे बोल रहे यार, अरे बोलना, हाँ है ना तो बोल यार। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत सही। चले एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगले लास्ट तीन और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अपना सिल्वर सल्फाइड वगैरह। चलो ये तुम सॉल्व करो फटाफट। सिल्वर सल्फाइड मुझे सभी बताएंगे कि भैया सिल्वर सल्फाइड का क्या है आखिर आंसर, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर ना मैंने कमेंट देखा था, उसमें वो बच्चा लिखता है, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, सब दिमाग से निकल रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे कुछ लिखा था उसने। तो देखो वैसे देखो मेरे को ऐसे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मैंने अभी तक बहुत लाखों में स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, तो ऐसे बहुत कम ही होते हैं जिनको जेन्युइनली समझ नहीं आता। बट अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं अपने एंड से इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो एक बार तुम खुद भी देखो कि तुम क्या सच में पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भैया की वीडियो लगा रखी है और यहाँ पर मोबाइल पे अपनी लैला से चैटिंग आपकी चल रही है, महबूबा से चैटिंग चल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। कहीं इंस्टा रील तो स्क्रॉल नहीं हो रहा। एक बार खुद को भी देख लेना, क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जो कि वीडियो चला के रखेंगे, साथ में चैटिंग करते रहेंगे, उन्हें लगेगा समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, है ना। चलो भाई, अब क्या बात कर रहे थे अपन? सिल्वर सल्फाइड क्या है, इसका फॉर्मूला जल्दी बता दो। यहाँ पर सल्फाइड की बात हो रही है, सल्फाइड दिखाता हूँ फिर से। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी सल्फाइड की, ध्यान से देखना, सिल्वर सल्फाइड कहाँ है? सल्फाइड, ये रहा S2-, ये है हमारा सल्फाइड। क्या चीज क्लियर है? और सिल्वर कहाँ है? Ag+। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड कहां गया रे? आ जा। तो क्या लिखें? Ag+1। S क्या है भैया? क्या है भैया, जल्दी बताओ क्या है? 2-, है ना। तो क्या लिख दूं फॉर्मूला? Ag2S। क्या ये अपना सिल्वर सल्फाइड है या नहीं? बोलें 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 बोलें, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेड नाइट्राइड की बात करें, लेड नाइट्रेट की बात करें, यहाँ पर याद रखना नाइट्रेट की बात हो रही है, नाइट्रेट की, नाइट्राइट की बात नहीं हो रही। नाइट्रेट और नाइट्राइट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना इस बात को। लेड का क्या होता है? लेड का क्या होता है? पीबी क्या होता है? Pb+2। नाइट्राइट का बताओ, जल्दी बताओ, नाइट्रेट का बताओ, नाइट्रेट का बताओ, किस किस को ध्यान है? किस किस को ध्यान है? नाइट्रेट का किस किस को ध्यान है, जल्दी बताएं। कहाँ गया हमारा नाइट्रेट? नाइट्रेट है ये रहा, NO3-। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, पहले ही बता रहा हूं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चले आगे। कहां गया? NO3 और इसका है माइनस, तो क्या बनेगी फाइनल? देखते हैं, PbNO3-2। देखें, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बोल, बहुत बढ़िया, डन है, डन है। देख रहा है तू कैसे हम कर रहे हैं सॉल्व? तुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे ऐसा लगता है तू पढ़ाई में तेज नहीं है, बट तेरी चीजें समझ आ रही है ना, इसका मतलब है यार तू मेहनत करेगा तो पॉसिबल है। बस बात यह है कि तू मेहनत कर रहा है। वैसे तू अगर इस वीडियो पे आ गया, इसका मतलब है तूने एक पहला स्टेप तो ले लिया है मेहनत के लिए, और थोड़ी सी मेहनत करेगा हो जाएगा, और इस एग्जाम में तू 95 तो आराम से लेकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चल आगे बढ़ते हैं। बैरियम क्लोराइड, ये बहुत आसान है, इसको क्या कराने की जरूरत है? क्या इसको कराने की जरूरत है? बोलो यार, बैरियम का क्या होता है? बैरियम का क्या होता है? +2। क्लोराइड का क्या होता है? -1। ठीक है, तो क्या बनेगा? अरे बोल यार, BaCl2। अगर वर्बली समझ नहीं आया तो खुद करके देखो। मैं ये चाहता हूं तुम यहां पर, मैं तुम्हें ना वो नहीं हूं कि मैं आऊं यार ले बेटा चम्मच से खाना खा ले, ऐसा नहीं करना ना हमें। खुद से मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा, तो करके देख लेना BaCl2 अपना फॉर्मूला इसका बनेगा, कैसे बनेगा खुद ट्राई करके देखेंगे। चलिए चलिए, बिल्कुल क्लियर है क्या? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है? अच्छा, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा एंड इसके फॉर्मूलेज आपको बनाना आ गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके अलावा एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ, कुछ कॉमन ऐसे फॉर्मूलाज हैं, जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको याद करने चाहिए। शायद कुछ कंपाउंड्स आपके पहले चैप्टर में आ गए होंगे, कुछ आपके एसिड बेस के अंदर आएंगे, कुछ कोई और चैप्टर के अंदर आएंगे, बट ये कंपाउंड्स सारे के सारे काम आएंगे ही आएंगे, तो याद रखना। जैसे कि अपना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वाटर, अमोनिया, मीथेन, इथेन, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे।
तो ये कंपाउंड आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको वहां दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। उसके साथ साथ दो कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। हर साल इस पे सवाल आता है, ये कंपाउंड आपको याद होने चाहिए। ये क्या है और ये क्या है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा, याद कर लेना इन कंपाउंड्स के डायरेक्टली नेम और इनके फॉर्मूला, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। वहां पर आपको ऐसे गिवन नहीं होगा कि सोडियम हाइड्रोजन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे लिख के नहीं देंगे, डायरेक्टली लिख के देंगे बेकिंग सोडा। अब आप सोचोगे बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा कुछ नहीं होता, वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ोगे ये कंपाउंड तुम्हारे साथ आते जाएंगे, बट मैंने एक साथ सारे कंपाउंड्स की लिस्ट दे दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। और देखो यार, जिनने पढ़ना था उनने पढ़ लिया, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे चैटिंग वगैरह करते रहते हैं और वो करेंगे, बट ये जितने भी आशिक लोग हैं इनके लिए एक लाइन बोलता हूँ जो कि अपने हर सेशन के बाद बोलता हूँ ताकि तुम सुधर जाओ। तो आज की प्यारी लाइन ये है कि वो हाई भी बोलेगी वो बाय भी बोलेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो हाई भी बोलेगी वो बाय भी बोलेगी, वो लड़की है जनाब, वो एक दिन तुझे अपना भाई भी बोलेगी। ठीक है, तो कर लेना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इनको पहले कर लो, वो तुम्हारा ज़्यादा मतलब फ्यूचर बना देगा, बाकी तुम्हारा डिसीजन है। तो ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई होप कि तुम्हें आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, एंड एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम क्वालिटी और फ्री एजुकेशन एक सपना लेकर चल रहे हैं जो कि हम पूरे इंडिया भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज़ एक शेयर करना और अपना कमेंट बताना इंस्टाग्राम पे आके कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या तुम्हें समझ आया है नहीं आया। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। शुक्रिया एवरीवन।